हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशा क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक। और आज मैं बात करूँगी एक बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाले और बहुत सारे फ़ायदों वाले प्लांट, स्नेक प्लांट के बारे में। कुछ ऐसी जानकारी जो शायद आपको अभी तक ना पता हो। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा गुड़ों की खान है जो स्नेक प्लांट है, तो इसको ज़रूर लगाइएगा। आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने लगाया हुआ भी होगा, लेकिन शायद इसके फ़ायदों के लिए नहीं पता होगा आपको। बस सिर्फ इतना ही जानते हैं ज़्यादातर लोग कि हवा को शुद्ध करता है ना। तो आज मैं आपके साथ में इसकी देखभाल की भी बात करूंगी कि किस तरीके से इसकी देखभाल करें, बहुत ही आसान है, और इसके फ़ायदों के बारे में भी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं इसकी देखभाल की। तो बहुत ही आसान है इसकी देखभाल करना, बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है। और आप इसमें ये देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ इसकी मिट्टी की। तो अगर आपने इसको लगाया है तो आप इसको एक पत्ती के द्वारा भी लगा सकते हैं, एक छोटी सी पत्ती को काट करके इसको भी लगा सकते हैं, प्रोपोगेट करके। अगर आपने इतनी पत्ती को कट करके और मिट्टी में लगा दिया ना, तो इसमें से भी रूट्स निकल आएंगे और आपका प्लांट ये ग्रो कर जाएगा। तो ये तो है इसकी प्रोपोगेशन की बात, साथ ही साथ इसके पप्स भी निकलते रहते हैं। जैसे कि देखिए, ये वाली पत्ती मैंने ना, ये एक पत्ती ऐसी मिल गई थी मेरे को, तो ये मैंने लगा दी थी इस वाले में, और उसके साथ साथ ये पत्ती जो निकल रही है ना, ये अपने आप ही निकल रही है। तो ग्रोथ इस टाइम इसमें बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत बढ़िया वाली। तो इसको लगाने की बात तो मैंने बता दी आप, इसको पप्स भी निकलते रहते हैं, तो पप्स को अलग करके लगा सकते हैं इसको। और दूसरी चीज़ ये कि आप इसको पौधा भी लगा सकते हैं और पत्ती से भी लगा सकते हैं, तो जो माध्यम भी आपको सही लगे आप उस तरीके से इसको लगा लीजिए। अगर मिट्टी की बात करूँ तो मिट्टी इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, लेकिन मिट्टी देखिए अगर आप लगा रहे तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं चाहिए। आप इसमें 40% मिट्टी लीजिए, 40% आप ले लीजिए रिवर्स हैंड, और उसमें 20% या 30% जितनी भी आपको मिल जाए, या तो कंपोस्ट ले लीजिए या गोबर खाद ले लीजिए, और फिर उसके बाद में आप इसकी सॉइल मिक्सचर बना करके इस प्लांट को लगा दीजिए। उसके बाद में वाटरिंग की अगर मैं बात करूँ तो वाटरिंग इसमें बहुत बहुत कम देनी है। आप मानेंगे कि सर्दियों में मैंने इसके अंदर मतलब 20-22 दिन के बाद में मैंने पानी दिया है, और आप देख सकते हैं अभी भी इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख रही है, लेकिन उसके बावजूद इस प्लांट को कुछ नहीं हुआ है और बिल्कुल अच्छे से इसकी ग्रोथ चल रही है। इसको सेंसिविरिया के नाम से भी जाना जाता है, नाग पौधा भी बोल सकते हैं, स्नेक प्लांट भी इसको बोल सकते हैं। इसका नाम जो मैं आपको बता रही हूँ वो यही नाम है इसके, सेंसिविरिया स्नेक प्लांट आप इसको आसानी से, कॉमन से नाम है इसके ये जाने जाते हैं। और इसका जो फ़ायदा है वो तो अभी बताती हूँ, पहले आपको ये भी बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा वैरायटी में आता है। 70 से ज़्यादा वैरायटी इसकी जो है वो मौजूद हैं, और काफ़ी सारे लगते हैं। इसको मदर इन लॉस टंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखिए, काफ़ी सारी वैरायटी इसकी है और काफ़ी सारे नामों से इसके जाना जाता है। और ये वाला जो कलर है, ये वाला जो वैरायटी है, ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। इसमें देखिए, यहाँ से ग्रीन है डार्क और साइड से लाइट से येलो कलर की पत्तियाँ बन रही हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो आपको जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं। अब बात करती हूँ इसके फ़ायदों की। तो ये तो सब आप सभी को पता होगा कि जो सेंसिविरिया है या स्नेक प्लांट है, ये जो है हवा को शुद्ध करता है, तो इसीलिए इस पौधे को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है इंडोर रखने के लिए। आप इसको बेडरूम में रख सकते हैं, लिविंग एरिया में रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, कहीं पर भी रखेंगे बहुत अच्छे से चलेगा। किसी भी तरह के गमले में लगाइए, बहुत अच्छे से चलेगा। देखिए, मैंने एक प्लास्टिक में लगाया हुआ है और एक सेरेमिक में लगाया हुआ है, और दोनों में ही ये अच्छे से चल रहा है, और नई ग्रोथ भी ये देखिए इसमें निकल रही है। ये वाली जो पत्ती है ना, ये नई निकली है, और ग्रोथ भी बहुत जल्दी हो जाती है। पिछले महीने निकली थी और ये अभी इस महीने देखिए पूरी बड़ी हो गई है अच्छे से। तो इसको आप इंडोर ज़रूर रखिए, रात के टाइम पे हवा को तो शुद्ध करता ही है, रात के टाइम पर ये पौधा जो है वो ऑक्सीजन का लेवल जो होता है रूम में, इसको बढ़ा देता है। तो आप, लेकिन ये नहीं है कि आप एक पौधा रखेंगे तो एक ही पौधे से सफिशियंट है, क्योंकि हमारा कमरा ज़्यादातर देखिए 8x10, 10x12 इस टाइप का तो होता ही है, इससे बड़े भी होते हैं। तो एटलीस्ट आपको 3 या 4 प्लांट रखने होंगे।
कुछ भी नहीं, तो अगर आप दो प्लांट भी रखते हैं तभी भी आपको थोड़ा फर्क जरूर महसूस होगा। तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है क्योंकि नाइट में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आती है तो प्लांट से, तो लेकिन ये प्लांट ऐसा है जो आपको रात में भी ऑक्सीजन देता है। तो आप इस प्लांट को अपने बेडरूम में निश्चिंत होकर के लगा सकते हैं। नासा ने भी इसको अप्रूव किया है कि हाँ ये ऑक्सीजन देता है प्लांट। दूसरी चीज़ जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपको एलर्जीज़ है, मान लीजिए आपको छींके वगैरह आती हैं, नॉन स्टॉप छींके आती हैं, तो आप इस प्लांट को अपने आसपास ज़रूर रखिए, दो या तीन प्लांट, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको एलर्जी की प्रॉब्लम से धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं कहती 100% छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन आपको काफ़ी फ़र्क, पॉजिटिव फ़र्क देखने ज़रूर मिलेगा। तो दूसरा फ़ायदा ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा है। तीसरा फ़ायदा जो इसका है वो ये है कि जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं तो उनको डस्ट से और वैसे भी एलर्जी होती है सर्दी वगैरह में, तो अस्थमा पेशेंट्स के लिए भी या अस्थमा जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्लांट है, उनको भी ये अपने रूम में ज़रूर रखना चाहिए। उसको जो अस्थमा अटैक होते हैं, या फिर मैं ये नहीं कहूँगी अटैक होते हैं, लेकिन अस्थमा में काफ़ी हद तक ये कारगर साबित हुआ, बड़ा अच्छा इसको माना गया है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी ही मिलूँगी एक नई और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।